made to play. What a good day to get paid today. What in the way, I made the way. Caught my lane, I paved the way. Drew it up nice, I made the play. Ball on the fuck, nigga, fade away. Ay, ay. Ball on the fuck, nigga, fade away. What's up you beautiful people, ki hal chal? Sat Sri Akal. To mere saath mein Shubham, aur Shubham ke paas mere ek jigar ka tukda hai, keh sakte ho, matlab jisko main aaj pehli baar dekh raha hu sell off karne ke baad mein. So kya aap samajh chuke ho thumbnail title dekh ke? Ji haan. So today for the very first time I'm meeting my buddy. Care what y'all do, better have my check with enthusiasm. Finna make a cool nigga get moody. Yeah, I'm on my whole last trip, I'm an expedition. Play it once, better get an extra listen. जिसके साथ में मेरी बहुत सारी golden memories थी. And without further ado, दिखा देते हैं आपको वो परी जिसने मतलब पूरे नेशन की ना फीलिंग्स जगा दी थी बूमपट 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 करके. क्यों भाई तगड़े वाले इज अ यंग निगा ऑट टू बी माय फीचर प्राइस लाइक अ लॉ डिग्री आई मेक रियल निगा एंथम्स टर्न फोज इन द फैंटम्स टर्न वर्स टू अ गुड. तो मैं अभी इस वीडियो में आगे इसको चलाने भी वाला हूं, इसके बारे में आपको और बताने भी वाला हूं. बट सो फार मुझे इतना पता है कि जब मेरे पास में थी ना तो ये एससी प्रोजेक्ट नहीं लगा हुआ था. तो इसकी क्या स्टोरी, लगा लगाया मिला था? हां ये लगा लगाया मिला था मेरे को. तो ठीक है चलो पहले एक बार आवाज सुना देते हैं आपको. एंड सो फार मेरे को ऐसा दिख रहा है कि देखो एमआरए की स्क्रीन मैंने डाली थी वो अभी भी इसमें लगी हुई है. प्यूक के जो विंगलेट्स हैं ये भी लगे हुए हैं. आपको रिएक्शंस यहाँ पे मिल ही जाएंगे. मेरे हिसाब से ना आज मैंने इससे लाउड बाइक नहीं सुनी, बट दिल से बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है यार आज इसको देख के. एंड मेरे हिसाब से अगर आप पुराने सब्सक्राइबर्स होना तो आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आने वाला है. हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब, इट्स टाइम फॉर द रोल. तो रुकावट के लिए खेद है, हमारी राइड से पहले ये शाहिद वा कुछ कहना चाह रहा था इस बाइक के बारे में. जो पुराने लोग हैं उन्हें पता होगा कि इतनी सारी बाइकों की डिलीवरी हुई है पर इससे ज़्यादा बड़ी बाइक की डिलीवरी पूरे इंडिया में नहीं हुई थी. जब ये बाइक डिलीवर हुई थी देर वर मोर देन 1500 पीपल्स देयर टू विटनेस द डिलीवरी ऑफ दिस मोटरसाइकिल इन 2020. वाओ मतलब सारी फीलिंग सारी यादें ताज़ा हो गई. मेरे हिसाब से दिल्ली का मेरा जो मीटअप था ना बहुत ही ग्रैंड था और बहुत सारे लोग आए थे. एक बहुत बड़ा फार्म हाउस मैंने बुक किया था, मतलब भागा दौड़ी करके बहुत अरेंजमेंट किए थे. भंगड़े वाले भी वहाँ पे आए थे, सबके लिए खाने पीने का भी अरेंजमेंट था और मैंने ऑन स्टेज डिलीवरी ली थी. और यहाँ तक मतलब मेरे घर वालों को भी नहीं पता था, मेरी वाइफ को नहीं पता था, जो मेरे साथ काम करते थे उस टाइम पे उनको भी नहीं पता था कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है मीटअप के अंदर में. और शायद उस वीडियो का टाइटल भी मैंने ये डाला था, इंडियाज बिगेस्ट सुपर बाइक डिलीवरी. तो आई बटन में भाई मैं वीडियो छोड़ रहा हूँ, अगर जिसने नहीं देखी और नए सब्सक्राइबर्स हैं तो वो भी जाके चेकआउट कर लो कि क्या हिस्ट्री है इस बाइक की. बट सीरियसली शुभम ने दिल खुश कर दिया भाई, और इसके बारे में भी हम और बात करेंगे जरूर से. बट एक चीज अभी अभी नजर गई, नॉइज बॉम्ब भाई साहब, मतलब ये तो वो वाली फीलिंग आ गई. अब इमोशनल हो गया मैं तो नॉइज बॉम्ब का स्टिकर देख के, क्योंकि ना ऐसा ही मैंने अपनी ना उसपे भी लगा रखा है H2 पे. और वो शुरुआत हुई थी यहाँ से, पहला स्टिकर लगा था यहाँ पे नॉइज बॉम्ब. These sour niggas tryna put me in a pickle. Picking on a poet, probably thinking that it's sweet. Even Jesus kick it with them niggas from the street. Show them that you never needed college for the wealth. Okay. All a nigga really need is knowledge of the self. Vintage shit from Asia. You chal bhai pari. Aaj thoda sa na ऐसे अच्छी वाली फीलिंग शेयर करते हैं आपस में, प्यार शेयर करते हैं, पुरानी यादें शेयर करते हैं. और दोस्तों आज आपको सुनाएंगे बूमपट बूमपट, वर्ल्ड फेमस बूमपट बूमपट. और पता है जो मैं 200 बोलता हूँ ना वो भी इसी बाइक के साथ में शुरू हुआ था, क्योंकि ये वाली बाइक की डिलीवरी लेने के बाद ना मैं गया था राजस्थान के ट्रिप में और माउंट आबू जा रहे थे और फीलिंग्स हमने पकड़ ली 200 200 200 और वहाँ से फेमस हो गया ये. लेट्स सी, मतलब 200 का मतलब ये नहीं है हम 200 पे चला रहे हैं, इट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग, फीलिंग ऑफ राइडिंग फास्ट और एंजॉइंग हैविंग द प्लेजर ऑफ अ राइड. एंड अभी ये सांस ले रही है, बूम बूम पट बूम बूम पट बूम बूम पट. चलो भाई चलो, लेट्स फ्लाई लो, मजेदार है. अब आप सबके लिए एक सवाल है, आपको नई वाली टेनर अच्छी लगती है, नई वाली का डिस्प्ले अच्छा लगता है या पुरानी वाली, कमेंट करके जरूर बताना भाई लोग.
आज भी बूमपट बूमपट सही काम कर रहा है भाई। ये सेकंड गियर थर्ड, अब सुनो बूम बूम बूम, दिस इज इनसेन भाई, क्या फीलिंग्स है, क्या फीलिंग्स है। आई लव यू परी, आई लव यू मैन। भाई 100-200 एक्स्ट्रा ले ले बाइक, मुझे बेच दे। बस इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं इस पट के लिए, इस पट के लिए मेरे शब्द कम पड़ गए दोस्तों। मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। बट नोएडा की अच्छी बात है भाई, वैसे ही खाली खाली रहता है और संडे को और खाली खाली रहता है। ऐसी सड़कें आपको कहीं दिल्ली में नहीं मिलेंगी। शुभम थैंक यू यार, मैं तो इमोशनल हो गया, मैंने ज्यादा व्लॉग भी नहीं किया। सीरियसली क्या फीलिंग है यार, ये जो पट है ना पूरा पैसा वसूल कर देती है। पैराशूट वाला बंदा बोलता ना भाई 100-200 एक्स्ट्रा ले ले नीचे उतार दे, मैं बोलने वाला था 1-2 हजार ऊपर नीचे ले ले मेरे को वापिस दे दे। भाई मजा आ गया भाई, सीरियसली मतलब ये चीज ना दोबारा कावासाकी बना ही नहीं सकती। BS6 के साथ ये मजा आ ही नहीं सकता। लवली सूट करिए ना। हाय चल भाई, एक डेट पे और जाने दियो मेरी परी के साथ, कुछ ही ले लूँ मैं इसकी। है भाई सही है, कैसी लग रही है दोस्तों, क्या कहते हो, परी ढूंढी जाए दोबारा से? अगर ये बेचेगा तो ले लेंगे, कोशिश कर सकते हैं अगर बजट में देगा तो, है ना भाई। बट सीरियसली अच्छी है यार, आज भी अच्छी चल रही है, जस्ट लाइक ब्रांड न्यू, बहुत अच्छी कंडीशन में है। एवरीथिंग, ब्रेकिंग, हैंडलिंग, स्मूथनेस, पावर, साउंड, सब टॉप ऑफ द लाइन है। और जितना एसेसरी चाहिए ना सब लगा हुआ है, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा की जरूरत होती नहीं है, है ना। बाकी तो चीज़ें एंडलेस होती हैं, बट दिस इज़ व्हाट यू नीड, एक अच्छी विंड स्क्रीन, यहाँ पे ये जो अपने विंग्स हैं जिसको ये परी लेके उड़ती है, साथ में ऐसा एग्जॉस्ट, टेल टाइडी, स्लाइडर्स, एवरीथिंग एट देयर बेस्ट। और ये शुभम का आईडी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी वीडियोज़ बनाता है यूट्यूब पे मेरे हिसाब से। आवाज आ रही थी, बहुत अच्छी आ रही होगी जब मैं वहाँ। क्या कह रहा है भाई, आपने पहले बॉडी बनानी है फिर मैंने फोटो खींचनी है। तो भाई ये जिसकी बाइक है ना शुभम, बॉडी देखो यार इसकी, थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं, क्योंकि भाई देखो परी का जो होने वाला है राघव, मतलब वो राघव नहीं मतलब शुभम जो हो चुका है, इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हम इसको वोट दे या ना दे, मतलब लाइक करे ना करे, फॉलो करे ना करे। तो भाई थोड़ा सा ये बॉडी के पीछे का राज, यस, और वो जो वेन दिख रही थी मुझे, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, दिस इज क्रेजी। ऑल्दो अभी देखो ये ना ज्यादा, उफ, मेरी बोलती बंद हो गई भाई, भाई साहब दिस इज नेक्स्ट लेवल। मतलब इससे पहले वाली वीडियो में मैं शायद इसको बोला था तुझसे मुझको इंस्पिरेशन मिले। कौन है भाई, कौन है? अरे मेरे पास भी है 1000 आवर, ठीक है, इंस्पिरेशन भाई। मजा आ गया भाई, मजा आ गया, सीरियसली बहुत मजा आया मुझे तो ये चला के। बट आप मुझे कमेंट करके बताना जो चीज़ के बारे में मैंने आपसे पूछा था, ज़रूर से आपकी कमेंट्स करेगा इंतज़ार। फॉलो करो इंस्टाग्राम पे और मिलेंगे आपको बहुत जल्दी ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अपने स्टाइल में यहाँ पे क्लोज करते हैं अपने भाइयों के साथ, मेहनत हमारी
रहमत उसकी और प्यार आप सभी का और हमारा परी के लिए और परी का राघव के लिए भी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले ब्लॉग के साथ, बाय।